इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं रात चलते हुए किसी रागीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो लोग करते थे 2017 के पहले। आज तो आज दीपावली करता पावन पर्व है पूरे प्रदेश में, कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे। और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि आप कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा, अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी रात चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस बने गांवों में आते हैं।